हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ वैकेंसीज निकली हुए IISER के, जो आपको पता है IISER इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। और यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली हुई, काफ़ी सारे बच्चे मेरा माइक्रोबायोलॉजी का और कुछ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का भी देख के पूछ रहे थे कि क्या उसके लिए स्कोप है, क्या वो उसके लिए वैकेंसीज निकलती है, क्या गवर्नमेंट की कुछ यहाँ पे जॉब्स हमें मिल सकती है। तो इसी यहाँ पे मैंने वही वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली IISER ने वैकेंसीज निकाली हुई है। वो अक्टूबर 26, 2020 तक आप उसके फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कुछ वैकेंसी बताऊंगी, अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपको IISER में जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे BSc जिनकी कंप्लीट है लाइफ साइंस, मतलब माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ये जो भी सब्जेक्ट है लाइफ साइंस के, इसमें अगर आपकी BSc कंप्लीट है और आपको 60% मार्क्स है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जिनकी MSc कंप्लीट है लाइफ साइंस है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सी, यहाँ पे मैं पोस्ट बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज की है और उसकी एक ही पोस्ट निकली हुई है। अगर आप MSc हुआ है, मतलब आपकी मास्टर्स इन वेटरनरी साइंस हुई, या लाइफ साइंस, मतलब कोई भी लाइफ साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, मतलब माइक्रोबायोलॉजी हुआ है आपका, बायोकेमिस्ट्री हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी हुआ है, तो अगर इसमें आपको 60% मार्क्स है, या अगर स्केल सिस्टम होगी तो 6.5 स्केल्स है आउट ऑफ 10, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हुए, अगर ये टेक्निक आपको आती है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो कैंडिडेट्स को, अगर उसको ये स्पेसिफिक टेक्निक्स आती है, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड जीनोटाइपिंग, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट जो दी जाएगी वो मार्च 21, 2021 तक दी जाएगी। और यहाँ पे जो अमाउंट रहेगी वो 60,000 पर मंथ आपको मिलेगी। और यहाँ पे एज लिमिटेड बिलो 35 ईयर्स एज कैंडिडेट्स ओनली कैन अप्लाई ओवर हेयर। चलो बात करेंगे सेकेंड पोस्ट की। ये भी एक वेटरनरी साइंटिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे भी अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है वेटरनरी साइंस में, या ऐसे ही कोई लाइफ साइंस का सब्जेक्ट से आप कंप्लीट है और आपको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लैबोरेटरी एनिमल मॉडल्स में, लैबोरेटरी एनिमल मॉडल्स या लैब एनिमल ब्रीडिंग में, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और इसकी जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा और जॉब रिक्वायरमेंट। इसके लिए सैलरी दी जाएगी 54,075 पर मंथ और एज लिमिट इज़ नॉट मोर देन 35 ईयर्स एज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो पोस्ट है, इसके लिंक मैं यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि कौन सी वैकेंसी में या कौन सी पोस्ट के लिए आप सूटेबल हो। सो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की। यहाँ पे एक पोस्ट है, अगर आपकी BBSc MPharm या MSc लाइफ साइंस से हुई है और आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जैसे एनिमल ब्रीडिंग में, टिश्यू कल्चर, माइक्रो इंजेक्शन, ये कुछ उन्होंने टेक्निक्स दी हुई है, इसमें अगर आपको आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये टीनर अपॉइंटमेंट आपको रहेगी मार्च 17, 2021 तक। और इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 37,080 पर मंथ, नॉट मोर देन 35 ईयर्स एज लिमिट इज देयर। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, जिनकी BSc कंप्लीट हुई है लाइफ साइंस से, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे बॉटनी है, जैसे जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, तो ये भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एनिमल ब्रीडिंग अच्छी आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका अच्छा खासा हैंड है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मार्च 17, 2021 तक है। आपको सैलरी मिलेगी 33,900 पर मंथ और एज जो है वो बिलो 32 ईयर्स रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो वैकेंसीज है लैब टेक्नीशियन के लिए, और आपकी BSc कंप्लीट है लाइफ साइंस से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, एनिमल केयर का एक्सपीरियंस चाहिए या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए एनिमल्स का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी है 20,600 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन ज़ेब्रा फिश फैसिलिटी, और यहाँ पे भी अगर आपका BSc कंप्लीट है लाइफ साइंस से और मिनिमम 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है ज़ेब्रा फिश मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो, आप बेटर वे कि आप अप्लाई वहाँ पे कर दो, जो भी है, अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो आप वहाँ पे
फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। इसके लिए जो है कंसोलिडेटिंग अमाउंट जो है वो या आपकी सैलरी जो रहेगी 20,600 पर मंथ रहेगी। एंड यहाँ पे एज लिमिट रहेगा कि आपका एज बिलो 30 ईयर्स रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द वैकेंसीज डिटेल, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।